पुन्हा एकदा मराठवाडा पोरका झालाय. काँग्रेसचं तरुण नेतृत्व खासदार राजीवजी सातव साहेब हे आपल्यातून निघून गेले. एक काँग्रेसच्या परिवारावर मोठा आघात या माध्यमातून झालेला आहे. मराठवाड्यात आदरणीय विलासरावजी देशमुख साहेब गेल्यानंतर पुन्हा एकदा दुसरा धक्का काँग्रेसजनांना बसला, तो म्हणजे आपल्यातलं एक तरुण नेतृत्व खासदार राजीवजी सातव आज आपल्यातून हरपले. मी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आणि तमाम पदाधिकाऱ्याच्या वतीने आणि माझ्या परिवाराच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. आणि त्यांच्या परिवारावर जो आघात झाला त्याच्यातून सावरण्याची परमेश्वर त्यांना शक्ती देऊ अशी प्रार्थना पांडुरंगाच्या चरणी करतो. सातव साहेबांसोबत काम करायला संधी मिळाली. 2009 ला जेव्हा मी दुसऱ्यांदा विधानसभेवर गेलो त्यावेळेला सन्माननीय खासदार राजीवजी सातव माझ्यासोबत आणि मी त्यांच्यासोबत सभागृहामध्ये अनेक प्रश्नावर चर्चा करायचो. तेव्हा मला जाणवलं की एक आपल्यातलं तरुण अभ्यासू नेतृत्व. आज हमारे काँग्रेस पार्टी के राज्यसभा खासदार श्री राजीव सातव जी की दुखद खबर आई उनके निधन की सवेरे हमको. सबसे पहले तो हम लोगों को इस बात का बहुत धक्का पहुंचा क्योंकि राजीव सातव जी के साथ हम लोगों का सफ़र यूथ कांग्रेस से चला आया है. यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जब से हमने उनके साथ काम किया. एक उम्दा नेता, एक अच्छा संगठक कांग्रेस पार्टी ने खो दिया, जो राहुल जी का एक विश्वासु एक साथी था और जिसने बहुत ज़मीनी स्तर से काम करते हुए जो राज्य और राष्ट्र के उस पर स्तर पे उन्होंने काम किया, कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने की उनमें एक बहुत ज़बरदस्त क्षमता थी. कार्यकर्ताओं से बहुत जल्दी उनका एक लगाव हो जाता था, जुड़ाव हो जाता था. लोग जब भी अपनी या मैं भी कभी जो भी हम अपनी समस्याएं उनके पास ले जाते, चाहे वो हिंगोली में हो चाहे वो दिल्ली में हो, वो हमारी बात सुनते, हमें समय देते और उसको हल करने की कोशिश करते. हम औरंगाबाद कांग्रेस की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार से हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे. बहुत ही कम उम्र के अंदर राजीव जी ने काफ़ी शिखर पर अपनी राजनीति पे वो गए और राष्ट्र के अंदर कि चाहे वो किसानों के विधेयक पे बात हो चाहे या महाराष्ट्र के पे जो भी बात हो वो उन्होंने रखी है और वो अपने काम के लिए हमेशा जाने जाएंगे. वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. हम सब इस वक्त इस शोक की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं और हम सब भी बहुत शोकाकुल हैं और मुझे इतना याद है कि यहाँ पे 2010 के आसपास यहाँ पे युवक कांग्रेस के ज़िला और शहर अध्यक्ष का चयन होना था. उस वक्त मैं उनके साथ ही था. तो प्रमोद राठौड़ जो अभी पार्टी में नहीं है हमारे, तो वो उनको शहर अध्यक्ष चुना गया था और ज़िले के ऊपर संभाजी भोसले को उस वक्त बनाया गया था. वो जब मौके पे जब ये चयन चल रहा था तो मैं उनके साथ था. मैंने देखा था कि वो कई तरीके से कार्यकर्ताओं को चेक किया करते थे क्योंकि कार्यकर्ता कभी कभी एग्जैजरेट करके बताते हैं कि भाई मेड़ावा हम इतने लोगों का लेंगे. तो राजीव जी का मुझे याद है कि वो बाहर आते थे मेड़ावे के अंदर, गाड़ियों के नंबर तक वो चेक करते थे कि ये गाड़ियाँ यही डिस्ट्रिक्ट से आई हैं क्या, ये इसी इलाके से आई है, गर्दी इसने कहीं से भीड़ से बाहर से तो नहीं जमा की, जितनी भीड़ इसने कही थी उतनी भीड़ वाकई में इस कार्यकर्ता के साथ है. क्योंकि उनकी एक हमेशा मंशा ये रहती थी कि जो लोगों में का आदमी है उसको जिम्मेदारी दी जाए. तो इसने बारीकी से काम करने वाला एक व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं. मुझे इस बात की हमेशा याद रहेगी कि मैंने उनके साथ यूथ कांग्रेस में भी काम किया. कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और सांसद राजीव सातव जी का देहांत होने की खबर मिली. मेरा और उनका संबंध 2010 और 2013 के दरमियान, मैं जब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF का महासचिव था उस समय दिल्ली में हुई. 3-4 सालों के बाद एक बार अंतर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलन होता है और उस समय साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में
युवक अंतर्राष्ट्रीय युवक सम्मेलन होने वाला था और इसलिए भारत में जितने भी सेक्युलर विद्यार्थी युवक संगठन है वो साथ में मिलकर उसकी तैयारियां करते हैं। और उस समय हमने उस जो वो जो प्रिपरेटरी कमिटी थी, जो संयोजन समिति थी, उसका चेयरमैन राजीव सातव जी को चुना था। उस समय जो बैठकें हुआ करती थी उन्हीं सभी बैठकों में राजीव सातव जी का जो उनकी काम करने का तरीका था उससे भली भांति परिचय हुआ। काफ़ी शांत और संयमी और सभी को साथ में लेकर चलने वाला एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारे मराठवाड़े से हुआ उसका हमें बहुत दुख है, उनके देहांत का हमें बहुत बड़ा सदमा लगा है। ये सिर्फ मराठवाड़े की नहीं तो महाराष्ट्र की और देश की बहुत बड़ी क्षति है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम उनके इस दुखद निधन पर एक गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं एडवोकेट कॉमरेड अभय टकसाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य कार्यकारिणी सदस्य।